लोकसभा चुनाव 2024 में एक महीने से भी कम समय रह गया है, लेकिन इस बीच कांग्रेस की परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। खास तौर पर बात करें छत्तीसगढ़ की, तो कांग्रेस लोकसभा प्रत्याशी कवासी लखमा का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो के बाद उनके ऊपर FIR दर्ज हो गई है। कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी पैसे बांटते हुए नजर आ रहे हैं। इस वीडियो के वायरल होने के बाद जगदलपुर के कोतवाली थाने में FIR दर्ज कराई गई है। वहीं इस FIR में कवासी लखमा के कांग्रेस शहर अध्यक्ष को भी आरोपी बनाया गया है। बता दें कि कवासी लखमा लोकसभा प्रत्याशी घोषित होने के बाद रविवार को जगदलपुर पहुंचे थे। जगदलपुर में माँ दंतेश्वरी मंदिर के सामने पैसे बांटते हुए उनकी फोटो मीडिया में आई। दो दिन पहले कवासी लखमा को बस्तर लोकसभा कांग्रेस प्रत्याशी बनाया गया है। कवासी लखमा भूपेश बघेल के आबकारी मंत्री भी रह चुके हैं। कवासी लखमा बस्तर के कोंटा विधानसभा से विधायक भी हैं। आपको बता दें, लोकसभा चुनाव को देखते हुए देश भर में आदर्श आचार संहिता लागू कर दी गई है। इस बीच कवासी लखमा का पैसे बांटते हुए वीडियो वायरल होना अपने आप में बड़ी खबर है। अब देखना ये होगा कि इस पूरे मामले में इलेक्शन कमीशन की तरफ से कार्रवाई क्या होगी। इस वीडियो में फिलहाल अभी इतना ही है। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और छत्तीसगढ़ से जुड़ी हर खबर जानने के लिए खबर विभाग को सब्सक्राइब करना ना भूलें।